सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहम व फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। फौज में तंजीम बंदी हो चुकी है। इस रियासत को बचाने का वाहिद रास्ता कोई बड़ी रियासत नहीं बल्कि एक छोटी खुद मुख्तार रियासत बनाना है। नजीब पाशा, महमूद जलालुद्दीन को बचाने के लिए ये तंजीम आपसे राब्ता करेगी। हमें इसकी भरपूर तैयारी कर रखनी चाहिए। ताहिर पाशा आपके साथ जाएंगे। इंतकाम लेना है हमें। पायतख्त में हमारे लिए काम करने वाले मिका को मार दिया गया है। हम बंदरगाह पे गिरफ्तार तो नहीं होंगे ना? सिपाहियों की तवज्जो हंगामे की तरफ होगी और हम आराम से इस्तांबुल पहुंच जाएंगे। जैसे ही हम दूर चले जाएं, धमाका करके अपने आप को उड़ा लेना है तुम्हें, और घबराना मत। मैंने कहा अपनी बंदूकें फेंक दो फौरन, वरना सबको मार दूंगा। हंगामा शुरू हो गया है, मौका देख के निकलना होगा हमें। हमें महमूद पाशा को बचाना होगा। हम पहले जिया पाशा, फिर अहमद पाशा, और अब बदकिस्मती से महमूद पाशा को खो चुके हैं। मालूमात के मुताबिक ये धमाका सासुम से आने वाले एक मुसाफिर ने किया है। सुल्तान मौसम, आप महल में रह रही हैं क्या? आपको वो लोग धमका तो नहीं रहे? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से वहाँ महल में रहने का फैसला किया है। हमें बस बंदरगाह पे हंगामा करने को कहा था, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। यकीन करो, मैं उन लोगों को नहीं जानता कि वो कौन लोग थे और कहाँ है इस वक्त। ये हैं अशरफ अजीज के ठिकाने। एक कहवा खाना ये है और दूसरा एमजी कहवा खाना। अशरफ ज्यादा वक्त यहीं गुजारता है, किसी से भी मुलाकात करनी हो तो यहीं बुलाता है। ये सियाहत कंपनी, ये ताबूत की फैक्ट्री, और ये है अशरफ अजीज का घर। मंसूबा क्या है? पहले इन सब जगहों पर हम नजर रखेंगे और सब लोगों को मारेंगे, इसलिए तुम्हें इन सब का पीछा करना होगा, वो भी एहतियात के साथ। इस काम के लिए जो जरूरी हो वो कर गुजरना। जरूरत पड़ने पर उन लोगों का भेष बदल कर अंदर दाखिल हो जाएंगे। हमें ये सब करने की क्या जरूरत है भाई? उसके आदमियों को क्यों मारना है? अशरफ जहां नजर आएगा उसे मार देंगे बस। अशरफ अजीज के साथ रहने वाले लोग परसों से उसके साथ हैं। मतलब ये कि वो लोग हमेशा और हर जगह उसके साथ रहते हैं, और वो लोग कोई आम लोग नहीं है। इसीलिए हमें हर कदम एहतियात से उठाना होगा और सबको मारना होगा, ताकि अशरफ को मारने के बाद कोई इंतकाम के लिए हमारे पीछे ना आए। लिवॉन ठीक कह रहा है, उन सबको मारना ही हमारी कामयाबी की दलील होगी। इससे हमारी ताकत का मुजाहरा भी होगा, बल्कि सिर्फ इतना ही नहीं, पूरा पायतख्त देख लेगा कि हम किस कदर ताकतवर हैं। हमने अशरफ अजीज से माजी और
हाल का बदला ले लिया। इस सब के बाद हम महकूम नहीं रहेंगे बल्कि लोगों पर हुक्म चलाएंगे। तो फिर वक्त जाया नहीं करना चाहिए। हम दोनों एमएजी के हवा खाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा साहब। वालेकुम सलाम पाशा, खुश आमदीद, तशरीफ लाइए। शुक्रिया। हमें भारी असलहा चाहिए, एक ऐसी लंबी नाली वाली बंदूक जो दूर से निशाना ले सके। मिल जाएगी पाशा, भारी असलहे को हिफाजत की वजह से पीछे वाले कमरे में रखा गया है। आइए पाशा, सफारत खाने खबर भेजने की जरूरत नहीं रही, वो लोग खुद हमारे पीछे आ गए। सुल्तान मौजम का शेर भी उनके पीछे है। ये लोग अंदर क्या कर रहे हैं? असलहा खरीदने आए हैं क्या? लगता है रियासत के पास असलहा नहीं है। मुझे तो इस बात पर तजस्सुस है कि नजीब का ताहिर पाशा के साथ क्या काम। यकीनन नजीब इनके साथ मिला हुआ है। नजीब पाशा, अब हमें असलहे की जरूरत नहीं। क्यों पाशा, क्या हुआ? हम उनके ठिकाने पर हमला करेंगे, अब हमें इस असलहे की कोई जरूरत नहीं। मगर हमें इसका इल्म कैसे होगा पाशा? अभी हम बाहर जाएंगे और फिर अलग हो जाएंगे। ये लोग आपका पीछा करेंगे क्योंकि महमूद को आप ले गए हैं, मेरे पीछे नहीं आएंगे। आप कहां जाएंगे? मैं शहजादे के साथ रहूंगा। आप उस मकान के बजाय किसी और जगह जाइएगा। आखिरकार ये लोग अपने ठिकाने तक पहुंच जाएंगे और फिर हम इन सबको रंगे हाथों पकड़ लेंगे। मुस्तफा साहब, हम बाद में आएंगे, अभी कुछ जरूरी काम है। ठीक है पाशा। तुम ठीक तो हो बेटा? मैं ठीक हूँ अशरफ चाचा। कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत करें अशरफ चाचा। इन मासूम बच्चों की हिफाजत के लिए ही हम सुबह शाम जिद्दोजहद कर रहे हैं। माशाल्लाह, कितने पुरजोश हैं ये बच्चे। अल्लाह, दो कहवे लाओ हमारे लिए। रमजान की वजह से दुकान बंद है। मुसलमान नहीं हूं मैं, रमजान से मेरा क्या ताल्लुक? और ये कहवा खाना है। सही कहा तुमने, ये कहवा खाना तो है मगर लगता है तुम पाया तख्त के नहीं हो, क्योंकि पायाए तख्त में रहने वाले गैर मुस्लिम भी रमजान का एहतराम करते हैं और अपने घर से बाहर कुछ नहीं खाते पीते, वो एहतराम करना जानते हैं। और इसी तरह मुसलमान भी उनके अकीदे का एहतराम करते हैं। क्या तुम मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान हूं। तो फिर मेरे मजहब का भी एहतराम करो। अभी बताता हूं तुम्हें। लगता है ये ज्यादा ही प्यासा है, पिला तो कहवा इसे। पिलाता हूं।
आलिया सुल्तान, आप मसरूफ तो नहीं है? नहीं, बस शौकिया कढ़ाई कर रही थी। सालिया सुल्तान के साथ आप हरम का जायजा ले रही थी, कैसा लगा आपको? दरअसल मैं यहाँ जिस मकसद से आई थी वो पूरा नहीं हुआ, शायद आप मेरी कुछ मदद कर सकें। जरूर, कैसी मदद चाहिए आपको हमसे? मैं सुल्ताने मौसम से मिलना चाहती हूँ, मगर सालिया सुल्तान ने मुझे इसकी इजाजत नहीं दी। अगर सालिया सुल्तान ने आपको इजाजत नहीं दी तो हम भी मुलाकात नहीं करवा सकते। आप बस मुझे ये बता दें कि सुल्तान मौज़म अपना पूरा दिन कहाँ गुजारते हैं, बाकी मैं खुद देख लूंगी। मैं हर चीज के बारे में जानना चाहती हूँ, जैसे कि वो कब जागते हैं, नाश्ता कब करते हैं और उसके बाद की मसरूफियात। चचा ज्यादा सोते नहीं हैं, तुलुए आफ्ताब से पहले उठ जाते हैं, नमाज और अस्कार से फारिग होकर बाग में चहलकदमी करते हैं और नाश्ते से पहले एक कप कहवा पीते हैं। अक्सर कहवे के वक्त सालिया सुल्तान उनके साथ मौजूद होती हैं। उसके बाद फिर वो ऐवान में चले जाते हैं और सियासी उमूर देखते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, फिर उनके दोपहर के खाने का वक्त होता है, लेकिन अक्सर वो खाना नहीं खाते। अभी रमजान का महीना है तो वो जोहर के बाद कुछ देर अपने कमरे में आराम करते हैं और ज्यादातर वो इस वक्त मुतालिया करते हैं। अच्छा, तो जासूसी किताबों के अलावा और क्या पढ़ते हैं वो? तारीख और सियासत के मुतालिक मुख्तलिफ किताबें पढ़ते हैं। अपने कमरे और ऐवान के अलावा कहाँ वक्त गुजारते हैं? चौबकारी वाले कमरे में। चौबकारी वाले कमरे में? चचा चौबकारी का काम करने में माहिर हैं। असर की नमाज के बाद अक्सर वो वहीं पर होते हैं। दरअसल लकड़ी से मुख्तलिफ अशिया बनाना उनका मशगला है। इतनी मसरूफियात के दरमियान क्या उन्हें इस काम का वक्त मिल जाता है? ये उनका पसंदीदा मशगला है। काम करने के दौरान वो मुख्तलिफ उमूर पर गौर व फिक्र करते हैं, बल्कि हमने तो सुना है कि वह उसी दौरान रियासत के बारे में फैसले करते हैं। उसे जिंदान में ले गए हैं कमांडर, कोई बचाने नहीं आया उसे। मैं अपना ताबूत बनाने वाला कारखाना बेच रहा हूं, खबर भेज दो जो खरीदना चाहे आ जाए। मगर क्यों कमांडर, क्या आपको रकम की जरूरत है? हमें रकम में कब से दिलचस्पी होने लगी जो हम रकम की फिक्र करें उस्मान? जी आप ठीक कह रहे हैं कमांडर, जैसा कि मैंने कहा, मैं नीलामी के जरिए वो कारखाना फरोख्त करूंगा, लड़कों को खबर कर दो सब वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन कमांडर, बहुत ज्यादा लोग जमा हो जाएंगे, कहवा खाने में तो इतनी जगह ही नहीं है। नीलामी यहां नहीं वहीं की जाएगी उस्मान। ठीक है। दोबारा जरूर आना। उस्मान, अपने लड़कों को कहना पिस्तौल में गोलियां भरकर पूरी तैयारी से आए। ये जरूर मीका के आदमी है, नादिर साहब का भी पीछा किया जा रहा था। रुक जाओ उस्मान, बैठ जाओ। कमांडर, आपने ही कहा था ना कि वो खुद हमारे पास आएंगे, अब जबकि वो खुद हमारे पास आ गए थे तो हमने उन्हें मारा क्यों नहीं? क्या मैं उन्हें मारना नहीं चाहता उस्मान? मारना चाहता हूं, मगर ये लोग अकेले नहीं हैं, और भी होंगे। अगर हम इनको मार देते तो बाकी हमारे पीछे आते।
बैठ जाओ। हमने इनके लिए नीलामी का जाल बिछाया है। ये सब लोग वहां आएंगे और फिर हम इनसे हिसाब लेंगे। आपको कैसे पता कि ये मीका के पीछे आए हैं? उसकी कलाई पर एक निशान था, सेसोन के दोकियान कबीले का निशान। मेरी साहिबा, ये सुल्तान मौज़म का खास कमरा है और यहाँ किसी को भी दाखिल होने की इजाजत नहीं है। मैं कुतुब खाने जाने वाली थी मगर रास्ता भूल गई। जब मैंने अंदर आकर देखा तो मेरी तवज्जो मबजूल हुई, मैं ये देखने के लिए रुक गई। तो चलिए बाहर। जरूर। صدق اللہ العظیم۔ کہیے امسال خاتمہ۔ اللہ قبول کرے سلطانہ۔ آمین۔ مخل نہیں ہونا چاہتی تھی لیکن ایک اہم معاملہ ہے۔ मैंने मेरी साहबा को सुल्तान मौज़म के खास कमरे में जाते देखा। आपको यकीन है कि वही थी? जी, उनके कमरे में दाखिल होने के कुछ देर बाद मैं भी उनके पीछे चली गई ताकि उन्हें कोई शक न हो। क्या सुल्तान मौज़म वहाँ थे? नहीं, मेरी साहबा अकेली थी। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो वो इधर उधर देख रही थी। उस कमरे में तो किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, तो फिर वो क्यों गई? पूछा आपने? क्या कहा उन्होंने आपसे? उनका कहना है कि कुतुब खाना ढूंढ रही थी। वो कह रही थी कि रास्ता भटक कर उस कमरे में पहुंच गई थी, फिर उन्हें अपने साथ कुतुब खाने लेकर गई मैं। वहां से किताब उठा के कमरे में चली गई। वो सुबह ही तो कुतुब खाने गई थी। माजर चाहती हूँ सुल्ताना, मगर मेरी साहिबा बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं, बहुत चालाक खातून लगती है। अल्लाह करे हमें जल्द मालूम हो जाए कि महल में उनकी कौन मदद कर रहा था ताकि उन्हें जल्द रवाना किया जा सके। सही कहा। वो लोग तुम्हें यहां से लेने आएंगे मगर उन्हें सिर्फ तुम्हारी लाश मिलेगी। तुम ठीक नहीं कर रहे सलीम, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम मेरी लाश अब्दुल हमीद के पास ले जाओगे तो भी वो तुम्हें माफ नहीं करेगा। वो मुझे जिंदा चाहता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। चचा शाम को बाग में जरूर थोड़ा वक्त बसर करते हैं, बागबानी और पौधों की देखभाल में मशगूल हो जाते हैं। मेरी साहिबा, मेरी साहिबा, ठीक तो है ना आप? मुझे सांस नहीं आ रही। हौसला रखें,
तबीबा को बुला कर लाती हूँ मैं। बस इमसाल खादमा से मोहतात रहिएगा, वो सालिया सुल्तान की खादमा नहीं बल्कि उनकी जासूस है। मुझे अंदाजा था कि सालिया सुल्तान मुझ पर नजर रखवाएंगी। आपको किसी भी इकदाम से पहले इमसाल खादमा से जान छुड़ानी होगी। बेफिक्र रहिए, मैं अब्दुल हमीद से बात करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। सुल्ताने मौज़म ये काम मुझे करने दीजिए, आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। इंसान मट्टी से ही बना है, ये एक नेमत और बरकत है। हाथ मट्टी से आलूदा हो तो इंसान को अपनी हैसियत याद रहती है। आप बजा फरमा रहे हैं सुल्ताने मौज़म। आप सुल्ताने मौज़म, सुल्ताने मौज़म, मुझे आप ठीक तो हैं? तुम लोग अशरफ के तमाम ठिकानों पर नजर रखना ताकि कोई मदद लेकर पीछे से ना आ जाए। ये काम इतना आसान नहीं, इसलिए हमें मोहतात रहना होगा। वक्त आ गया है, वो लोग यहां हमें मारने के इरादे से आ रहे हैं। अगर कोई इफ्तारी के लिए जाना चाहता है तो मेरी तरफ से इजाजत है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। हम आपके साथ खाना खाने के लिए नहीं, गोलियां खाने के लिए खड़े हैं अशरफ बाबा। शुक्रिया, तो फिर चलें, अपनी अपनी जगह संभाल लें। मेरी साहिबा राहदारी में चलते चलते अचानक नीचे बैठ गई। मैं तबीबा को बुलाकर वापस आई तो वो वहां नहीं थी। क्या मालूम वो आपके पहुंचने तक अपने कमरे में चली गई हो? वो कमरे में भी मौजूद नहीं है, ना ही लड़कियों को कुछ मालूम है। ताज्जुब है कि उन्हें ठीक से सांस तक नहीं आ रही थी, फिर वो कहां चली गई? बाग की तरफ गई है वो। बाग की तरफ गई है, लेकिन इस हालत में बाग में क्या काम है उनका? दरअसल वो बेहोश होकर गिर पड़ी थी, सुल्ताने मौज़म ने देख लिया। क्या वो सुल्ताने मौज़म से मिलने गई थी? अब उनकी तबीयत कैसी है? उन्हें उनके कमरे में भेज दिया गया है। सुल्ताने मौज़म ने तबीबा को खास तौर पर उनका ख्याल रखने की तलकीन की है।
आपने तो हमें फिक्रमंद ही कर दिया। माफी चाहती हूँ, आपको मेरी वजह से सहमत हुई। मैरी साहिबा को क्या हुआ है तबीबा? दरअसल मैरी साहिबा को सांस की दायमी बीमारी है सुल्ताना, इन्हें बिला नाखा दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। शायद इन्होंने कुछ दिन से अपनी दवा नहीं खाई, लेकिन अब इनकी हालत बेहतर है, तश्वीश की कोई बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है। सुल्ताना, जोहल खातून इनके पास रहेंगी और इनका ख्याल रखेंगी। मैं इजाजत चाहती हूँ। बिल्कुल इजाजत है, जाइए। पाया तख्त की आबोहवा अच्छी है, मैंने दवा लेना छोड़ दी थी, मेरी गलती है। तब आप ठीक है ना? हमारे लिए यही बहुत है। राहदारी में तो आपकी हालत काफी खराब थी, फिर आप बाग तक कैसे पहुंच गई? मैंने सोचा बाग की ताजा हवा से शायद तबीयत बेहतर हो जाएगी मेरी। दीवार का सहारा लेकर मैं वहां तक पहुंच गई थी और अचानक गिर गई, मगर शुक्र है सुल्तान मौजम वहां मौजूद थे। आखिर आपने सुल्तान मौजम से मुलाकात का मौका तलाश कर ही लिया। इसको मुलाकात तो नहीं कहा जा सकता, मेरी तबीयत इस कदर खराब थी कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनका सामना इस तरह करूं। उनसे माजरत करना चाहती हूं मैं। हम आपकी माजरत उन तक पहुंचा देंगे, आप आराम कीजिए, जल्द सेहतयाब हो जाइए। आपको जल्द सेहत मिले। जल्द सेहतयाब हूं। अरे वाह, आपने तो बहुत खूब अदाकारी की है मेरी साहिबा। मैं अपनी दवा वक्त पर लेती हूँ, मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। सुल्ताने मौसम से मिलने के लिए मैंने बस एक चाल चली थी। सालिया सुल्तान का चेहरा देखा था आपने? वो आपके मुंह से सुल्तान का नाम सुनकर हैरान रह गई। ये तो अभी शुरुआत है, मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि सालिया सुल्तान को अफसोस होगा मुझे महल बुलाने पर। बाईं तरफ जा रहा हूं, आप दाईं तरफ जाएं पाशा, फिर हुजूम में कहीं गायब हो जाइएगा। मैं उनके ठिकाने तक उनका पीछा करूंगा, ख्याल रखिएगा अपना। शहजादे, शहजादे रुकिए। ताहिर पाशा, खैर तो है? बताता हूं, लेकिन पहले इनके पीछे चलिए, कहीं निकल ना जाए। शहजादे, मैं महल से सिपाहियों को लेके आता हूं, आप यहीं रुककर इंतजार कीजिए। और अगर ये लोग महमूद को बचाने के लिए निकल पड़े तो? मैंने नजीब पाशा को कहा है कि वो इनका ध्यान बटाने के लिए किसी और जगह चले जाएं। ये लोग नहीं जानते कि हमने महमूद को कहां रखा है। अगर ये बाहर निकले तो आपको इनका मुकाबला करना होगा शहजादे। गलती कर रहे हो सलीम, मुझे मार कर भी अब्दुल हमीद से तुम्हें माफी नहीं मिलने वाली। वो मुझे जिंदा गिरफ्तार करना चाहता है, गलती कर रहे हो। अब तुम जाओ, उन्हें दरवाजे पर ही रोको।
हम उस्मानी हैं, समझे? हम अपनी जान के बदले इज्जत पाते हैं। जाओ। बिस्मिल्लाह। चलें, चलें। आज तुम जिंदा नहीं बचोगे अशरफ, फरार नहीं हो सकते। हम मोमिन हैं, दुनिया से नहीं बल्कि मौत से प्यार करते हैं। कमांडर, 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 आंखें खोलें, कमांडर, 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 आंखें खोलें अपनी कमांडर, कमांडर हमें ऐसे मत छोड़े, उठे हमें पाए तक की हिफाजत करनी है, कमांडर, सुल्ताने मौसम को क्या कहूँगा? अली उस्मान, मैं अली उस्मान से क्या कहूंगा कमांडर?
कुछ तो कहिए खुदा के लिए, कुछ तो कहिए। ये मंजिल बहुत हसीन है उसमें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुल्तान मौसम, खुश आमदीद बेटे, क्या कोई अहम मामला है? बेटे क्या कोई बुरी खबर है? हमारे कमांडर अशरफ अजीज साहब, क्या हुआ उन्हें? शहीद हो गए सुल्तान मौसम। वो सासन में जिन दहशतगर्दों से लड़ रहे थे वो पाया तख्त आ गए थे। कमांडर उनसे लड़ते हुए शहीद हो गए सुल्तान मौसम। क्या आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे अशरफ अजीज साहब? बताइए हमें, क्या आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे? अल्लाह ने मुझे जितनी भी जिंदगी दी, अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ वफादार रहूंगा और हमेशा अपनी रियासत की खिदमत करता रहूंगा सुल्तान मौसम। मौत तो बरहक है, हर किसी को मौत का जायका चखना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इसकी तमन्ना लेकर जीते हैं। और इतनी खूबसूरती से जाते हैं कि अपनी रियासत और परचम की हिफाजत और अल्लाह की रजा के लिए जान देते हैं। वो इस शान से जाते हैं कि मौत उन पर उरूसी लिबास की तरह जचती है, क्योंकि वो अपनी जान से इसकी कीमत देते हैं, बिल्कुल खालिद बिन वलीद की तरह। उस अजीम कमांडर ने अपनी तमाम उम्र मैदान जंग में शहादत का ताकुब किया
उनके पूरे जिस्म पर जख्म के निशानात मौजूद थे। शहादत नसीब न होने का गम था उन्हें, क्योंकि तमाम उम्र सरबकफ रहने वाला मुजाहिद शहादत का ही तालिब होता है। अशरफ अजीज साहब भी ऐसे ही मर्द मैदान थे और उन्होंने अपनी मुराद पा ली। बेशक। काश कि अल्लाह हर मोमिन को ऐसा कल्ब सलीम अता करे। काश कि रियासत का हर जवान ऐसे ही जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार हो। हम सिर्फ अमन चाहते हैं, लेकिन वक्त पड़ने पर किसी कुर्बानी से दरीक नहीं करेंगे। अगर हमारी जमीन कीमत मांगती है तो हम अपनी जानें पेश कर देंगे। अशरफ अजीज साहब ने पुरवकार जिंदगी गुजारी, हमेशा रियासत के वफादार रहे वो, और वैसा ही शानदार अंजाम पाया उन्होंने। हम उनके गवाह हैं अल्लाह, तो उनकी शहादत को कबूल फरमा। अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुल्ताने मौज़म। इज़्ज़त पाशा। मैरी के साथ ज़्यादती की हमने। इस बात का दूसरा पहलू भी हो सकता है सुल्ताना, शायद उन्होंने अपनी बीमारी को सबब बनाकर ही मंसूबा बनाया हो। सुल्ताने मौज़म, अपने खास बावर्ची के और हमारे बनाए गए खानों के अलावा किसी और के हाथ का खाना नहीं खाते। हम इज़्ज़त पाशा को एक काम सौंपेंगे और आपको इज़्ज़त पाशा का ताकुब करना होगा, एक साय की तरह उनके पीछे रहना होगा। जनाब करासू, आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं? हम चाहते हैं कि असले की खेप एक हफ्ते में मुंतकिल हो जाए। जाएं और तहकीक करें क्या आया ऐसा मुमकिन है।